हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी कुछ उन दिनों की बात है जब फ्रैंको और पर्शियन वॉर चल रही थी। फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सास और लोरेन अब पर्शियन के हाथों में आ गया था और अब एल्सास में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। अब वहाँ पे इस वजह से न्यू टीचर आने वाला था स्कूल में। तो स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है फ्रांस, ये एक छोटा सा बच्चा है और जैसे नॉर्मली स्टूडेंट होते हैं जिनको स्कूल जाना पसंद नहीं है, होमवर्क वगैरह भी नहीं करते, टीचर को भी कुछ खास पसंद नहीं करते, तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक है। सो एक बार ये अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था और इसका बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं था, क्योंकि इसको मालूम था कि जो इसके फ्रेंच टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने जो होमवर्क दिया है पार्टिसिपल्स का वो इसने नहीं किया है और इनफैक्ट इसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ पता भी नहीं है। सो एक मोमेंट के तो वो सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और अपना पूरा दिन आराम से कहीं पर बिताऊँगा मज़े से, क्योंकि जो मौसम था वो भी बहुत अच्छा था और वो सोचता है कि मैं इंजॉय करूँगा चिड़ियों की आवाज़ और जो ड्रिल हो रही है सोल्जर्स की, ये सब चीज़ें देखूँगा। बट स्टिल वो अपनी जो टेम्पटेशन है, अपनी अर्ज को वो साइड रखता है और वो स्कूल के लिए चला जाता है। तो जब वो जा रहा होता है और वो टाउन हॉल से गुज़रता है तो वो वहाँ पे देखता है बहुत भीड़ लगी होती है और वो भीड़ जो होती है वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रही होती है। सो इस बुलेटिन बोर्ड में पिछले 2 सालों से खबरें आती है वॉर से रिलेटेड और ज़्यादातर वो बैड न्यूज़ ही होती है और फ्रांस जो है वो ज़्यादा रुकता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो रहा होता है स्कूल के लिए और वो भाग के स्कूल की तरफ चला जाता है। सो जब वो स्कूल में एंटर करता है तो वहाँ पे एक अजीब सी क्वाइटनेस होती है, एक शांति होती है, जैसे कि कोई संडे हो वहाँ पे। और वो देखता है विंडो से कि उसके जितने भी क्लासमेट्स है वो चुपचाप से बैठे हुए हैं और जो एम हेमल है उसके जो टीचर है फ्रेंच टीचर, वो इधर उधर घूम रहे हैं, क्लास के राउंड लगा रहे हैं और उनके हाथ में एक आयरन रूलर है। सो अब डरते डरते फ्रांस जो है वो क्लास में एंटर होता है और उसको ये जान के बहुत सरप्राइज होता है कि एम हेमल उसके जो टीचर हैं वो उसको कुछ कहते नहीं हैं और आराम से चुपचाप से उसको क्लास में एंट्री दे देते हैं। फिर फ्रांस नोटिस करता है कि जो उसके टीचर है उन्होंने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है आज, और वो जो ड्रेस है वो यूजुअली वो इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डे के दिन ही पहनते हैं, यानी कि जैसे हमारे स्कूल के टीचर्स होते थे कि वो किसी स्पेशल ओकेजन पे अच्छे से बन के आते थे, ऐसे ही जो एम हेमल है वो आज एक फॉर्मल ड्रेस में है जो कि वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे कोई ऐसे स्पेशल ओकेजन पर ही उन कपड़ों को पहनते हैं। फिर फ्रांस नोटिस करता है कि पीछे क्लास के पीछे बैक बेंच पे सारे गांव वाले जो हैं वो लोग बैठे हुए हैं, जो ज़्यादातर खाली रहती थी क्लास पीछे, आज वहाँ पे गांव वाले भी बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं। तो अब फ्रांस को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि ये उसका लास्ट लेसन है फ्रेंच क्लास का, क्योंकि अब कल से न्यू जर्मन टीचर आने वाला है और अब कल से उसको वही पढ़ाया जाएगा, यानी कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। सो ये चीज़ सोच के उसको बहुत ज़्यादा सैड फील होता है और वो फिर सॉरी फील करता है कि उसने फ्रेंच नहीं सीखा, और अचानक से उसके दिल में फ्रेंच के लिए बहुत प्यार आ जाता है। हालांकि उस सब्जेक्ट से वो पहले बहुत चिढ़ता था लेकिन अब उसको बहुत अच्छा सा लगने लगता है वो सब्जेक्ट, और इनफैक्ट वो अपना जो टीचर है एम हेमल उसको भी बहुत पसंद करने लगता है। वो सारी चीज़ें भूल जाता है कि कैसे वो मारते थे अपने फुट्टे से रूलर से, ये सारी चीज़ें भूल के उसको बड़ा प्यार आता है अपने टीचर पे। तो अब फ्रांस को बुलाया जाता है उससे क्वेश्चंस पूछने के लिए लेकिन वो कुछ बता नहीं पाता, तो एम हेमल जो है वो उसको डांटते नहीं है और वो उसे कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि सबकी गलती है, जो बच्चे आज पढ़ नहीं पा रहे हैं उस जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे उनकी भी गलती है, क्योंकि वो पेरेंट्स ने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट वो पेरेंट्स जो वो चाहते थे कि जो हमारे बच्चे हैं वो फार्म्स में काम करें और ताकि उन्हें थोड़े और पैसे मिल पाए, इनफैक्ट वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी भी गलती है, मैं भी कभी कभार
बच्चों को भेज देता था पौधों को पानी डालने के लिए। मैंने भी उनकी पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लिया, या कभी कभार मैं उन्हें छुट्टी भी दे देता था जब मुझे फ़िशिंग के लिए जाना होता था। उसके बाद एम हेमल फ्रेंच के बारे में और बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच है वो बहुत ही दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और वो बहुत क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, और ये लॉजिकल लैंग्वेज है। वो कहते हैं कि हमें इस लैंग्वेज को गार्ड करके रखना चाहिए और हमें इस लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। फिर रेसिटेशन, लैंग्वेज, ग्रामर और राइटिंग पढ़ाने के बाद एम हेमल हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और 12 बज जाते हैं। तो जब 12 बजते हैं, जो पर्शियन सोल्जर थे वो भी आ जाते हैं, उनकी जो प्रैक्टिस ड्रिल चल रही थी वो वहाँ से आ जाते हैं। और फिर लास्ट में एम हेमल जो है बोर्ड पे लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस। वो कुछ कहते नहीं है, वो ऐसा जेस्चर शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं कि अब क्लास ओवर हो चुकी है। सो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। सो बेसिकली ये स्टोरी उन सिचुएशन पे थी, ऐसे सिचुएशन पे थी जहाँ पे जो लोग बाग हैं उन्होंने अपनी जो खुद की लैंग्वेज है उसको ढंग से सीखा नहीं, उस पर ढंग से ध्यान नहीं दिया, और अब उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। जैसे कि हम लोग भी हिंदी पे इतना ध्यान नहीं देते, और जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। सो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस बुक के और भी चैप्टर मैंने कवर कर रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। विस्तास जो आपकी बुक है उसके भी सारे चैप्टर्स कवर हो रखे हैं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। थैंक